जो इसका स्टोरेज पहले 256 GB था, अब वो 1.2 TB हो चुका है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। हाय फ्रेंड्स, ये मेरा अपना फोन है 14 Pro Max और ये बहुत सता रहा है मुझे, बिकॉज 256 GB है, ये 256 GB है और आप देख सकते हो कि खाली 37 GB अवेलेबल है, बाकी पूरा फुल हो चुका है। तो मुझे बार बार अगर कुछ वीडियो शूट करना है कुछ है तो बार बार मुझे डिलीट करना पड़ता है। तो सोचा कि आज इसको हम 1 TB में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम लोग 1 TB में कन्वर्ट करेंगे। और आइए देखिए, आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। तो आप इसका सीरियल नंबर देख लीजिए और ये 256 GB है, यानी 256 GB है अभी, और ये इसका सीरियल नंबर है और हमारे पास 1 TB की हार्ड डिस्क है और हम इसको 1 TB अपग्रेड करने जा रहे हैं, बिकॉज मुझे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। या तो मैं न्यू फ़ोन परचेस करूँ या तो मैं इसको अपडेट करूँ। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे कि जो प्रो मॉडल होते हैं उन्हीं में 1 TB सपोर्ट होता है, जो बेस मॉडल होते हैं उसमें 1 TB नहीं, 512 GB ही तक सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आईफोन 12 है तो 512 GB तक ही सपोर्ट करेगा, 1 TB हम उसको नहीं कर सकते। बट हम 12 Pro, 12 Pro Max को 1 TB कर सकते हैं और 13 Pro, Pro Max को हम 1 TB कर सकते हैं। वैसे ही हम 14 Pro, Pro Max को भी 1 TB कर सकते हैं, बट जो बेस मॉडल होते हैं उसको हम 1 TB नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने इसको CNC मशीन में अपना बोर्ड लगाया है और उसके थ्रू हम जो ओल्ड हार्ड डिस्क है उसको हम ग्राइंड कर दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो बोर्ड है ना वो टेम्पर्ड नहीं होता है और उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, और इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क लगा रहे हैं। बात यह है कि अगर मतलब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि हार्ड डिस्क बढ़ाने से फ़ोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हमने ये वीडियो बनाया था लेकिन अपलोड नहीं किया था। मैं आज 10 डेज से अपना हैंडसेट यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये मेरा अपना ही हैंडसेट है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे 11 जो प्रो है या प्रो मैक्स है वो 512 GB तक ही होता है, जो 12 सीरीज जहाँ से 5G हैंडसेट आया वो हैंडसेट 1 TB होते हैं, वो भी प्रो मॉडल्स खाली, ठीक है। तो अब देखिए इसको इनिशियल सब हम लोग जो सेटअप्स है वो करेंगे और इसके बाद इसको गैसकेट लगा के वाटरप्रूफ भी करेंगे, ठीक है, और देखते हैं ये हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पूरा प्रोसेस दिखाया और अभी देखते हैं कि ये 1 TB हुआ कि नहीं। तो आप देखिए, ये हम गए सेटिंग में, वही मेरी एप्पल आईडी है, मेरा ही फ़ोन है ये, तो मेरी एप्पल आईडी होगी, ठीक है। अभी ये जर्नल में गए, अबाउट में गए और आप देख सकते हो इसका सीरियल नंबर मैच कर सकते हो आराम से, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कि 1.2 TB जो इसका स्टोरेज पहले 256 GB था, अब वो 1.2 TB हो चुका है। ओके, और मेरा कोई भी डेटा वगैरह भी कुछ लॉस नहीं हुआ है। आप देख सकते हो पूरा डेटा है, सारी कॉल हिस्ट्रीज वगैरह हर चीज़ है इसमें, ठीक है ना। मेरी कोई चैट वगैरह गई है, सारी चैट भी है इसमें, मतलब कि कोई भी एक पिन टू पिन मेरा डेटा है इसके अंदर। और मैंने इसलिए अपडेट किया बिकॉज या तो मुझे फ़ोन चेंज करना पड़ता और नया फ़ोन लेना पड़ता और खामोखा मेरे पैसे वेस्ट होते हैं, इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं अपने डिवाइस को 1 TB अगर कर लूँ तो कोई मतलब उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और नया नया फ़ोन लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये वही 14 Pro Max है, ठीक है। मैंने आपका इसका सीरियल नंबर वगैरह सारा कुछ दिखा दिया है और सारी चीज़ें इसमें वर्किंग है। फेस आईडी हो गया, देखिए आप कि ये फेस आईडी ये खुल गया मेरा, तो हर चीज़ है इसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं हुई। और वाटर प्रूफिंग भी इसको कर लिया हमने और मैं पिछले 2 दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ। आज हम इसका फाइनल वीडियो शूट कर रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें पता चल जाए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा ही वर्किंग है। ओके, आशा करता हूँ आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है। अगर इस तरीके का काम की आपको नीड है या ऐसा कुछ आपका हार्ड डिस्क अपग्रेड कराना है, 1 TB कराना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।